Dear student, welcome back to our YouTube channel, that is Bio Lecture by Rashid Khan. Today we will start a new chapter. The chapter name is Human Health and Disease. आज जो है तो हम बायोलॉजी इनमें हैसियत के अंदर नया सबक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इंसानी सेहत और बीमारियाँ. तो आज इस सबक में हम इंट्रोडक्शनरी पार्ट देखेंगे. इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है वो इस सबक में देखेंगे. उसके पहले मैं आपको ये बता दूँ, इसके पहले जो सबक हमने खत्म किए थे वो था ह्यूमन ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ. तो उसके आपको कंप्लीट वीडियो इस चैनल के ऊपर देख सकते हैं. उसके बाद ये नया सबक है जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. उसमें जो इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले हेल्थ के बारे में हमें पता होना चाहिए. सेहत क्या है? सेहत हम फिजिकल फिटनेस को नहीं बोलते बल्कि उसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है WHO के जरिए से डिजाइन की हुई. WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. उसने क्या बताया, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग. तो क्या मतलब है कि ऐसी मुकम्मल हालत जो तबीयी तौर से या और दिमागी तौर से इसी तरह सामाजिक तौर से कंप्लीट फिट हो, सेहतमंद हो, उसको हम बोलेंगे हेल्थ या फिर सेहत. और ये जो है हेल्थ इज बर्थ राइट ऑफ ह्यूमंस. इंसानों का जो है तो पैदाइशी हक है या राइट है सेहत. तो यहाँ पे WHO के जरिए से एक डेफिनेशन बताई गई है कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग. तो उसके बाद में हम देखेंगे कि हाउ टू अचीव द गुड हेल्थ. उसमें कुछ पॉइंट को हमको याद रखना है कि सेहत को किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं. ये पॉइंट को अगर हम याद रखेंगे तो एज ए अवेयरनेस भी हमारे लिए अच्छा है और एज ए सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको तो इसकी तैयारी करना है. तो कुछ यहाँ पे नुकात दिए हुए हैं कि गुड हेल्थ को किस तरह हम अचीव कर सकते हैं. तो सबसे पहले वी हैव हाइजीनिक बैलेंस डाइट. यहाँ पे साफ सुथरी मुतवाजन गिजा के जरिए से हम तमाम किस्म की बीमारियों से दूर रह सकते हैं, बीमारियों को अवॉइड कर सकते हैं. उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, मतलब साफ सुथरा पानी का रेगुलर इस्तेमाल पीने के लिए हमको करना है. उसके बाद तीसरे नंबर का पॉइंट है पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीनिक, यानी खुद की साफ सफाई, इसी तरह सामाजिक तौर से साफ सफाई, हमारे अतराफ के माहौल को साफ सुथरा रखना, ये भी बीमारियों को या फिर डिसीज को अवॉइड करेगा. उसके बाद में है रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज. हमको पर्सनली रेगुलर जो तो फिजिकल एक्सरसाइज करना है जिसके जरिए से जो डिसीज है ये हम अवॉइड कर सकते हैं. उसके बाद है नॉलेज ऑफ डिसीज एंड देयर इफेक्ट. हमें जो कॉमन डिसीज है उसके बारे में कुछ नॉलेज या मालूम होनी चाहिए और उसका इफेक्ट, उसके असरात भी मालूम होने चाहिए जिससे हम उसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं. नंबर सिक्स पॉइंट है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर. अब यहाँ पे जो वेस्टेज है, चाहे वो घरेलू हो या फिर दीगर मेडिसिनल लेवल का वेस्टेज हो या दूसरा वेस्ट हो, किसी भी तरह का वेस्ट को प्रॉपर डिस्पोजल का तरीका हमको पता होना चाहिए. फिर उसके बाद कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स. वेक्टर इज नथिंग बट द सोर्स ऑफ डिसीज विच कैरीज द डिसीज, एंड ऐसी जानदार ऐसी चीज जो किसी बीमारी को जरिया बने, बीमारी का जरिया बने, उसको हम वेक्टर्स बोलेंगे. मुख्तलिफ किस्म के जानदार या ऑर्गेनिज्म एज ए वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, उसका कंट्रोल हमको करना चाहिए. लाइक मॉस्किटो है और फ्लीज है और दीगर किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन में टेक्स्ट बुक पेज नंबर 221 के ऊपर दिया हुआ है बायोलॉजी टेक्स्ट बुक के अंदर. उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है इम्यूनिटी. अब यहाँ पे एक टर्म है इंट्रोडक्शन के अंदर इम्यूनिटी, जिसका मतलब होता है फ्रीडम या एग्जेम्प्ट. इसका जो सबसे पहले स्टार्टेड हुआ ये टर्म इम्यूनिटी का
इसको हम मुदाफियत भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर जो साइंटिस्ट है जिसका नाम है एडवर्ड जेनर, उसने ये टर्म्स को इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया? काउ पॉक्स वैक्सीन के जरिए से। ये काउ पॉक्स वैक्सीन उसने इस्तेमाल किया ट्रीट करने के लिए स्मॉल पॉक्स, या जिसे हम उर्दू में बोलते हैं चेचक, उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए काउ पॉक्स वैक्सीन का इस्तेमाल किया, जहां से उसने ये इम्यूनिटी टर्म्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी कहते हैं मुदाफियत को। उसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है। इट इज क्या डेफिनेशन है? इट इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी साइंस की ऐसी शाख जिसके अंदर हम इम्यून सिस्टम या मुदाफियती निजाम का मुताला करते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यून रिस्पॉन्स टू फॉरेन सब्सटेंस एंड रेजिस्टिंग इन्फेक्शन बाय पैथोजन। यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स रहेगा, मुदाफियती निजाम का रिस्पॉन्स रहेगा किसका, किसके जरिए से उसका रेजिस्टेंस रहेगा? वो रहेगा फॉरेन सब्सटेंस, बाहर के जो पार्टिकल है, जर्रात है, उनसे उसका रेजिस्टेंस रहेगा टू इन्फेक्शन। रेजिस्टिंग किससे? इन्फेक्शन बाय पैथोजन। पैथोजन के जरिए से जो भी इन्फेक्शन रहेगा उससे वो रेजिस्ट करेगा इम्यून सिस्टम। अब इसी तरह जो इम्यूनिटी है या इम्यून सिस्टम है वो क्या है, उसकी एक खासियत है, वो ये है कि ये डिफरेंशिएट करेगा बिटवीन बॉडी या फिर ओन सेल को या नॉन सेल्फ फॉरेन मॉलिक्यूल को। ये उसकी खसूसियत है। अब यहाँ पे जो फॉरेन पार्टिकल है, जो जर्रात है, जो सबब बनेंगे या जराए बनेंगे बीमारी का, उसको वो डिटेक्ट करेगा और डिफरेंशिएट करेगा किससे? ओन सेल से, बॉडी ओन सेल से और नॉन सेल फॉरेन पार्टिकल से। ये डिफरेंशिएट करने का काम यहाँ पे इम्यून सिस्टम करेगा इंसान का। अब उसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन में इतना दिया हुआ है, ठीक उसी तरह ये दो टर्म्स आपको याद रखना है। उसमें है एंटीजीन और एंटीबॉडीज। तो यहाँ पे एंटीजीन हम किसको बोलेंगे? एनी फॉरेन सब्सटेंसेस इनवाइडिंग बॉडी एंड कैपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स। ऐसा मादा या ऐसा सब्सटेंस जो फॉरेन सब्सटेंस से इनवेडिंग करेगा बॉडी को और स्टिमुलेट करेगा, मुतहरिक करेगा इम्यून रिस्पॉन्स को, उसको हम बोलेंगे एंटीजीन। ठीक उसी तरह एंटीबॉडीज द प्रोटेक्टिव केमिकल्स प्रोड्यूस बाय इम्यून सेल इन रेस्पॉन्स टू एंटीजीन। एंटीजीन के रेस्पॉन्स के जरिए से जो प्रोटेक्टिव केमिकल रहेगा किसका? इम्यून सेल का, मुदाफियती खलियात का, वो कहलाएगा एंटीबॉडीज। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था जिसमें हमने देखे हेल्थ जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जरिए से इस डिजाइन की गई है उसकी डेफिनेशन। उसके बाद में हाउ टू अचीव गुड हेल्थ, किस तरह से हम अच्छी सेहत बरकरार रख सकते हैं उसके बारे में, और इम्यूनिटी जो पॉइंट दिया हुआ है स्टार्टिंग वाला उसके बारे में, उसकी तारीफ हमने देखे, फिर उसी तरह एंटीजीन और एंटीबॉडीज के बारे में।